मॉर्निंग। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ईजी है बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अब अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको ये 11 के जैसा नहीं लिखना है। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंटरनल यूज़र। द ओनर एंड द पर्सन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन एट मैनेजरियल लेवल एंड एम्प्लॉई आर कंसिडर्ड एज इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो फर्स्ट है प्रोप्राइटर, जिसको हम लोग ओनर भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प्स द प्रोप्राइटर ओनर टू नो द फॉलोइंग: अर्निंग कैपेसिटी, फिनेंशियल पोजिशन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि एक ओनर को जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मतलब होता है वो इन चीज़ों के लिए होता है। बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी अभी क्या है, पहले क्या था, आगे कैसा होना चाहिए, फिनेंशियल पोजिशन पिछले साल कैसा था, अभी कैसा है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, यानी कि इन दोनों के साथ में वो अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी लेके चलता है कि बिजनेस को कहाँ लेके जाना है। जबकि बात करते हैं मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट रेलेवेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज, डिसीजन मेकिंग। दस मैनेजमेंट कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बाई यूजिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल थ्रू द मैनेजमेंट। बाई यूजिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन द मैनेजमेंट कैन प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट बजटिंग एंड कंट्रोल द बिजनेस फैक्टर। एम्प्लॉई ऑलवेज फील डैट प्रोप्राइटर मेक ह्यूज प्रॉफिट वाइल देयर रेमुनरेशन आर लिमिटेड। ये एम्प्लॉई का सोच है, मेरा भी होता है कि मेरा जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है और मेरे को उससे जो रेमुनरेशन मिल रहा है वो काफ़ी लिमिटेड है। दिस डाउट इज रिमूव बाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करेंट ईयर। दे कैन नो करेंट ईयर्स प्रॉफिट एंड कैन कंपेयर इट विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी कि दो सालों का जो प्रॉफिट का डिटेल्स होता है उसके बेस पर वी कैन कंपेयर और वी कैन नो अबाउट द सक्सेस एंड डाउनफॉल ऑफ द बिजनेस। इन केस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर दे कैन मेक अ डिमांड फॉर बोनस। यानी इम्प्लॉई बोलता है हमको बोनस चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, मेरा रेमुनरेशन बढ़ाओ। इट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में भी कुछ पैसा ज़्यादा आएगा। ये तो हुआ हमारा इंटरनल फैक्टर। चलिए शुरू करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में मेरा है द पर्सन हु आर नीदर प्रोप्राइटर नॉर एम्प्लॉई बट समहाउ हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस एक्टिविटीज एंड देयर ऑपरेशनल रिजल्ट आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर। दे यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस पर्पस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। नंबर वन, क्रेडिटर्स, पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन और प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर टर्म एज क्रेडिटर। यानी कि जो बिजनेस को समान उधार में देते हैं या लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं वो होते हैं क्रेडिटर। दे नीड इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन वेदर द कंसर्न विल बी एबल टू रीपेज इट्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एंड व्हेन एज एंड व्हेन फॉल्स ड्यू। यानी कि वो यही जानना चाहते हैं कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने दिया है और उस पर जो इंटरेस्ट है वो टाइम टू टाइम मिलेगा कि नहीं, या वो कहीं केवल बाकी ना रह जाए। इन्वेस्टर, इट इज़ ओनली आफ्टर नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंड पोजिशन, फिनेंशियल पोजिशन, डैट पोटेंशियल इन्वेस्टर टेक डिसीजन अबाउट मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट इन्वेस्टर टू कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन एन एंटरप्राइजेज। यानी कि इन्वेस्टर, आप और हम लोग कैसे इंस्टीट्यूट में पैसा लगाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी है कि नहीं, उसका बिजनेस का टर्नओवर हर साल का कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे या पैसा वापस निकाल लेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ अ ग्रेट यूज टू देम इन दिस कनेक्शन, स्पेशली इन मेकिंग जजमेंट फॉर देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और एक इन्वेस्टर का मेन काम है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिटर्न उसको कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये जानने के लिए भी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करता है। कंज्यूमर आर इंटरेस्टेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाई एन एंटरप्राइजेस। एक एंटरप्राइजेस जो सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करता है कंज्यूमर का, कंज्यूमर जानना चाहता है कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए या क्या हो सकता है। दिस प्राइस डिसीजन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एस्टिमेटेड मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट। हेंस कंज्यूमर आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विथ विच एन आइडिया ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर कैन बी मेड। गवर्नमेंट का तो बहुत वेरी सिंपल है, आप लोग भी जानते हो। अभी GST आ गया है, लेकिन उसके पहले जो था टैक्स था, न्यू टैक्स पॉलिसीज इसके बेस पे बनाया जाता है, कंप्यूट नेशनल इनकम,
प्रिपेयर नेशनल अकाउंट टू नो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ कंट्रीज वगैरह वगैरह. फिफ्थ नंबर पॉइंट रिसर्च एंड स्कॉलर. रिसर्चेस एंड आर बीइंग मेड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज एंड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस इंटरप्राइजेस ऑफ अ ग्रेट यूज टू रिसर्च स्कॉलर. जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है उसके बेस पे रिसर्च स्कॉलर जो है पूरे देश का अकाउंट के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अलग अलग कंट्री का हमारे देश के अकाउंट्स पे क्या असर पड़ रहा है या हमारी कंट्री में ही अगर अलग अलग स्टेट हैं तो उनका अकाउंटिंग पोजीशन कैसा है. इस तरह की चीज़ों को रिसर्चर जो हैं रिसर्च करते हैं और ये बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमारा जो बिजनेस का जो ग्रोथ है वो किस तरह से चल रहा है, जिससे नेशनल को यानी कि नेशन को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में बतलाता है. देन फॉरेनर्स. दिस डेज द इंटायर वर्ल्ड हैज़ बिकम वन मार्केट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. यानी कि आज एक ऐसा समय चल रहा है कि केवल इन्वेस्टमेंट हम ही लोग अपनी कंट्री में नहीं बल्कि बाहर के कंट्री वाले भी हमारे कंट्री में करते हैं. सम फॉरेन मार्केट प्लेयर्स आर ईगर टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिनेंशियल पोजिशन ऑफ सर्टेन एंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन सर्टेन इंडस्ट्रीज. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दे मेक एन ओपिनियन अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ऑल्सो अबाउट मर्जर एंड बिजनेस टेक्स ओवर. यानी कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि अभी जो बिजनेस चल रहा है, सपोज कोई बिजनेस है, उसका पोजीशन क्या है, क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में आगे बढ़ रहा है, उस बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी कैसा है, कहीं वो बिजनेस डाउनफॉल तो नहीं हो रहा है. अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन देते हैं और हो सकता है कि उसके साथ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें या हो सकता है कि उस बिजनेस में मर्ज हो जाएं और उसके साथ मिलकर बिजनेस करें या ये भी हो सकता है कि अगर वो बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है तो उसको टेक्स ओवर कर लें. टेक ओवर का मतलब हुआ कि आप उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. तो ये था मेरा इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र के ऊपर एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.